बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। आजकल लोग ऑर्गेनिक चीजों को ज्यादा प्रेफर करते हैं, फिर चाहे वो अनाज हो, सब्जियां या फिर फल। क्या आपको ये पता है कि केला यानी कि बनाना आप मार्केट से कोई भी ले आओ वो ऑर्गेनिक ही होता है। यानी कि केले को बनाने के लिए किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि केले के अंदर बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं। ये आप इस तरह से समझ सकते हैं, जब भी आप अपने घर में केला लेकर आते हैं तो ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा कि आपके केले में आपको कीड़े मिले। यानी कि केले में कीड़े कभी पैदा ही नहीं होते, तो इसीलिए केले के अंदर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने का मतलब ही नहीं बनता। केला एंटीबैक्टीरियल है। आपने ऐसा धर्मों में भी देखा होगा, धर्मों में केले का फल जरूर शामिल किया जाता है। आपने एक चीज और देखी होगी, जब भी आपके घरों में पूजा पाठ हो उस समय पर घर के बाहर केले के बड़े बड़े पेड़ या पत्ते लगाए जाते हैं। साधु संतों को केले के पत्तों में ही खाना खिलाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि केला एंटीबैक्टीरियल है। ये बात आज की मेडिकल साइंस को अब समझ आई है, लेकिन ये बात पुराने हजारों सालों से ही हमारे आयुर्वेद और हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है कि केला सबसे शुद्ध है, इसीलिए आपको केले का सेवन करना चाहिए। और ये जरूर कहा जाता है कि अगर आप एक केला हर रोज खाते हैं तो आप अपने शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। ऐसा भी इसीलिए कहा जाता है कि केला एंटीबैक्टीरियल होने के कारण हमारे शरीर के बुरे बैक्टीरियाज को खत्म करता है और हमें बीमारियों से बचाकर रखता है। केला हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये बात जानकर बहुत से लोग केले खाने शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग ये नहीं जानते कि केले को कब खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कौन सा केला खाना चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा हम ले सकें। देखिए, मार्केट में आपको दो तरह के केले मिलते हैं, पका हुआ केला और कच्चा केला। पके हुए केले में शुगर कंटेंट ज्यादा है, यानी कि डायबिटीज पेशेंट्स उसे नहीं खा सकते, लेकिन कच्चे केले में शुगर कंटेंट ना के बराबर है, जिसे कि डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं। तो इसीलिए आपको कच्चे केले को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि आप डायबिटीज जैसे गंभीर रोग से बचे रह सकें, क्योंकि कच्चे केले के अंदर पके केले के मुकाबले पोटाशियम ज्यादा होता है, साथ ही साथ विटामिन B6 और C भी इसमें पके केले के मुकाबले ज्यादा है। कच्चे केले में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पके हुए केले के मुकाबले ज्यादा होते हैं, जिस कारण से कच्चे केले का इस्तेमाल आप सब्जी बनाने के लिए बखूबी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप कच्चे केले को सुबह खाली पेट बासी मुंह यानी कि बिना ब्रश किए खाते हैं तो ये आपके शरीर की कई बीमारियों का काल है, यानी कि शरीर की कई बीमारियां जिसे ये चुटकियों में खत्म कर सकता है। आइए जानते हैं, अगर आप कच्चे केले का सेवन सुबह खाली पेट करते हैं तो आप कौन कौन सी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको केले के बारे में एक चीज बता दूं कि केले का इस्तेमाल यानी कि इसे कभी भी रात को नहीं खाना चाहिए। देखा गया है कि कुछ लोग रात को खाना खाने के बाद फ्रूट्स खाते हैं। देखिए, अगर आप फ्रूट्स रात को खाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट्स ठंडे होते हैं और ये हमारे कफ को बढ़ाते हैं, और रात के समय वैसे भी हमारी बॉडी में कफ ज्यादा होता है, जिस कारण से फ्रूट्स खाने पर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो सकता है। वहीं अगर केले की बात करें तो इसे रात को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम हो सकती है। तो केले को आप हमेशा सुबह के समय ही खाएं और केले का कभी बनाना शेक बनाकर ना पिएं, क्योंकि जिस स्पीड से ये मिक्सर घूमता है ये केले के कई पौष्टिक तत्वों को नष्ट कर देता है। बनाना शेक पीने की जगह पर आप केला खाकर ऊपर से दूध का एक गिलास पी लीजिए, इससे आपके शरीर को कई फायदे होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप हाई क्वालिटी में वीडियोस एडिट करवाना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइसेस पर, और बचाना चाहते हैं अपना कीमती समय ताकि आप ढेरों वीडियोस बना पाएं? तो आज ही हमें ईमेल करें eservices@ytadvice.com पर। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो ये कच्चा केला आपके लिए एक वरदान है। अगर आपका वजन कितना भी बड़ा हुआ है, आप उसे बिना जिम, बिना डाइट, बिना एक्सरसाइज के आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि जिनका वजन बढ़ जाता है उन्हें लगता है कि शायद उन्हें जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। वजन बढ़ने का कारण ये नहीं कि आप ज्यादा खा रहे हैं, वजन बढ़ने का कारण ये है कि आपकी बॉडी उसे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, यानी कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कम है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें आपका खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपको इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को तेज करना होगा। इसे तेज करने के लिए आपको खाना चाहिए कच्चा केला। कच्चा केला खाने से आपकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस तेज होती है, जिससे आपका वजन बहुत तेजी से कम होता है। आपका खाया हुआ खाना एनर्जी में जल्दी कन्वर्ट होगा और आपका वजन तेजी से कम होगा। आप देखेंगे आपके पेट की जो चर्बी है वो एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद खत्म होने लगेगी और आपका वजन एक महीने के अंदर अंदर 10 से 15
15 किलो कम हो सकता है। अगर आप कच्चे केले को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, यानी कि सुबह खाली पेट लगातार 6 से 8 महीने खाते हैं, तो आप 25 से 30 किलो वजन बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए कच्चा केला बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कच्चे केले में फाइबर भरपूर मात्रा में है। जब आप कच्चे केले का सेवन सुबह खाली पेट करेंगे, तो ये आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों की अच्छे से सफाई करेगा और कॉन्स्टिपेशन को 10 से 15 दिनों में बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन कितनी भी पुरानी है, आप कच्चे केले के सेवन से उसे खत्म कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, केला खाने के बाद एक गिलास गुनगुने पानी का जरूर पिएं, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन इससे बहुत जल्दी सही हो सके। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन हम लोग इसे बीमारी नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी नहीं, कॉन्स्टिपेशन से होने वाली बीमारियां बहुत घातक हैं। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको हर तरह की बीमारी होगी। हर तरह की बीमारी का मतलब है कोई भी बीमारी। आपको डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं, आपके शरीर में खून की कमी आ सकती है, आपकी किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स पैदा हो सकते हैं, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी बॉडी में पेन रह सकता है, यानी कि हर तरह की बीमारियां जो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन से ही होती हैं। कॉन्स्टिपेशन से क्यों होती हैं? कॉन्स्टिपेशन का मतलब है जो आप खा रहे हैं वो आपके शरीर से बाहर नहीं निकल रहा। तो अगर आपके शरीर से बाहर नहीं निकल रहा, तो ये आपके शरीर में सड़ता है। जब ये सड़ेगा, तो शरीर में गैस पैदा करता है, और ये गैस हमारी बॉडी में जाकर कहीं भी जहां टकराती है, वहीं पर ये दर्द पैदा करती है। और दूसरी ओर, ये जो खाना हमारे शरीर में सड़ रहा है, ये सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिल जाता है। हमारी आंतों के जरिए हमारे खून में मिलने के कारण ये हमारे खून को गंदा करता है। जब हमारा खून गंदा हो जाता है, तो ये गंदा खून हमारे चेहरे पर पिंपल्स पैदा करता है, हमें स्किन की एलर्जी और स्किन के डिजीजेस देता है। साथ ही साथ इस खून को साफ करने के लिए हमारी किडनियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिस कारण से किडनी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और ये टॉक्सिन सॉलिड रूप में जमा होकर किडनी स्टोन्स का रूप ले लेते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो यानी आपको हर एक बीमारी हो सकती है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन का इलाज आप जरूर करें, और इसका इलाज है कच्चा केला। डायबिटीज को खत्म करने के लिए कच्चा केला वरदान है। कच्चे केले के सेवन से 3 महीने के अंदर अंदर आप डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जिनको डायबिटीज है, उनको यही नहीं मालूम कि डायबिटीज होती क्या है, हमें डायबिटीज हुई क्यों। उनको सिर्फ एक चीज पता है, डायबिटीज का मतलब है खून में शुगर का लेवल बढ़ना। लेकिन ये क्यों बढ़ा, आपकी कौन सी गलती की वजह से बढ़ा? अगर आप उस गलती को सुधार लेंगे, तो आपको दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर लोग आपको सिर्फ परहेज बताते हैं, वो आपको ये नहीं बताते कि आपकी बीमारी का एग्जैक्ट कारण क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में एक ऑर्गन है जिसे पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना, और इन हॉर्मोन्स का काम है चीनी को एनर्जी में कन्वर्ट करना। आपके खान पान और आपके लाइफस्टाइल के कारण पेनक्रियाज ने काम करना कम कर दिया है, जिस कारण से इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो गई है, और जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, जिस कारण से आपके खून में शुगर का लेवल अभी बढ़ता चला जा रहा है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो आपको करना क्या है, पेनक्रियाज को मजबूत करना है, ताकि आपका पेनक्रियाज अच्छे से काम कर सके, इंसुलिन को प्रोड्यूस कर सके। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। अब पेनक्रियाज को सही कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना खाना पीना अच्छा करो। खाना पीना अच्छा का मतलब है चिकनाई वाली चीजें कम खाओ, फल और सब्जियां जो कच्ची हैं उन्हें ज्यादा खाओ, उसमें आप कच्चे केले को जरूर शामिल करो। कच्चा केला पेनक्रियाज को बहुत तेजी से मजबूती देता है और इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। दूसरी चीज, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। अगर आपके घर में एयर कंडीशनर है, तो उसका कम से कम इस्तेमाल करो। फ्रिज है, तो उसका कम से कम इस्तेमाल करो। नॉनस्टिक बर्तन है, तो उसका कम इस्तेमाल करो। और जितना हो सके सूर्य की धूप में निकलो। सूरज की धूप में निकलने से ही आपकी डायबिटीज खत्म होने लगेगी। अगर आप कच्चे केले का इस्तेमाल लगातार 3 महीने करते हैं, तो आप डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जो आज के डॉक्टर ये कहते हैं कि डायबिटीज खत्म हो ही नहीं सकती, ये डायबिटीज खत्म हो सकती है, बस आपको कच्चे केले का सेवन करना है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कच्चे केले के सेवन से आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी बच सकते हैं। कैंसर क्या है? कैंसर सिर्फ डेड सेल्स हैं। हमारी बॉडी में लिविंग सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी बनी ही लिविंग सेल्स से है। लेकिन आजकल जो खाना हम खाते हैं वो लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, अगर आप गेहूं के दाने को खाते हैं, तो ये लिविंग है। अगर आप गेहूं के दाने को तवे पर थोड़ा भून कर खाते हैं, तो ये नॉन लिविंग है।
कैसे नॉन लिविंग है? आप गेहूं के दाने को मिट्टी में बो दीजिए और दूसरी ओर गेहूं का दाना जिसे आपने तवे पर बनाया है उसे मिट्टी में बो दीजिए। दोनों में से पौधा किसमें निकलेगा? जो पहले वाला है, यानी कि जब आप चीजों को भूनते हैं तो उसके अंदर की पौष्टिकता मर जाती है। जब आप खा ही डेड रहे हैं तो आपकी बॉडी में डेड सेल्स पैदा होने लगते हैं और इन्हीं डेड सेल्स को कैंसर कहते हैं। तो आपको करना क्या है? लिविंग खाना है। लिविंग में कच्ची चीजें खाएं, ऐसी चीजें जिनको अग्नि ने स्पर्श नहीं किया, यानी कि जिनको गर्म नहीं किया गया। आप कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, कच्चे फल खा सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने शरीर में कैंसर जैसी घातक बीमारी को खत्म कर सकते हैं। अगर आपको कैंसर हो भी चुका है आप उसे भी खत्म कर सकते हैं। केले में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि कैंसर के कोशिकाओं को खत्म करने में मदद करते हैं। आप अपनी डाइट में कच्चे केले को जरूर शामिल करें। अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो भी आप कच्चे केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमारे दिमाग की जो स्पीड है, हमारी जो मेमोरी है, वो डिपेंड करती है हमारे खाने के ऊपर। जितना आप अच्छा खाते हैं उतना ही आपका दिमाग अच्छे से काम करता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग को भी न्यूट्रिशन आपके खाने से ही मिलता है। तो जो आपके दिमाग को चाहिए अगर आप उसे वो दे देंगे तो दिमाग अच्छे से काम करेगा। इसलिए आप कच्चे केले का सेवन जरूर करें, क्योंकि इसके अंदर का न्यूट्रिशन आपके दिमाग को स्ट्रांग करता है। अगर आपके बच्चों की मेमोरी पावर कम है, अगर आपके बच्चे पेपर्स में मार्क्स नहीं लेकर आ रहे, अगर आपको भी चीजें याद नहीं रहती, तो आप कच्चे केले को अपनी डाइट में शामिल करें। सुबह खाली पेट अगर आप कच्चा केला खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा आप कच्चे केले की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी। एनीमिया की बीमारी को दूर करने के लिए कच्चा केला बहुत अच्छा है। एनीमिया यानी कि बॉडी में खून की कमी होना। कच्चे केले में आयरन काफी मात्रा में है और ये आयरन हमारे शरीर में खून की कमी को दूर करता है। लेडीज को अपनी डाइट में कच्चा केला जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारत में 50% से ज्यादा लेडीज के शरीर में खून की कमी है। यानी कि आपके घर में भी जो लेडीज हैं उनके भी शरीर में खून की कमी है। आप इसे चेक करवा सकते हैं। ये टेस्ट बहुत ही सस्ता है, 20-30 रुपए में ये आपका टेस्ट हो जाएगा। आप इस टेस्ट को करवा कर देखिए, आपको पता चलेगा आपके शरीर में खून की कमी है। इसे खत्म कैसे करें? कच्चे केले का सेवन करने से। सिर्फ कच्चा केला है जो कि आपके शरीर में खून की कमी को 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर सकता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी आप कच्चे केले का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि बाल झड़ने के केस में बहुत से लोग हेयर केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो ये हेयर केयर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे आते हैं, और दूसरी चीज, हेयर केयर प्रोडक्ट्स कुछ नहीं कर सकते। हेयर केयर प्रोडक्ट्स कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके बाल झड़ क्यों रहे हैं? आपके बालों की जड़ें कमजोर हैं, तो जड़ों को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? जो आप खाते हैं, ना कि जो आप लगाते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके घर में पौधा लगा है तो पौधे की जड़ों में आपको न्यूट्रिशन देना होगा, ना कि पौधों को स्प्रे करने से कुछ होने वाला है। अगर पौधों की जड़ों को न्यूट्रिशन मिलने लग गया तो पौधे में जान आ जाएगी, और ये जान आपके बालों को चाहिए, आपके बालों की जड़ों को चाहिए। आपके बालों की जड़ों को क्या चाहिए? कॉपर चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए, बायोटीन चाहिए। ये सब चीजें आपको मिलेंगी कच्चे केले में। कच्चे केले के सेवन से आप हेयर फॉल को 1-2 महीने में खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप कच्चे केले के सेवन से अपने शरीर की कई बीमारियां, छोटी से लेकर बड़ी कैंसर जैसी बीमारियों तक को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन में आपको मिलता है हर बीमारी का बेस्ट आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।